दोस्तों, मैं रविराज सदैव से अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। पता है आपको, सऊदी अरब में ऐसी लाइफ भी जी जाती है, इंसान की आया ड्यूटी से, सोया, फिर उठा, फिर ड्यूटी। बंदे लोग कहते हैं कि सऊदी जाके बहुत पैसा कमाने, ठीक है, पैसा कमाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत सारे शौकों के साथ, बहुत सारी इच्छाओं के साथ रहना पड़ता है, इसीलिए सऊदी अरब में इंसान पैसा कमाने के पैसा कमाता है और बचा पाता है। ऐसा नहीं है कि अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन में इंसान पैसा नहीं कमाता है, पर वहाँ पर बहुत सी इच्छाएं जो होती है इंसान के, जो होते हैं वो एटलीस्ट अपने मन के साथ जी लेता है। पर बाहर देशों में ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ एक कमाने के मकसद से आता है। बहुत अच्छा लगता है दूसरों को जो पता चलता है कि वो व्यक्ति बाहर गया, वो इंसान बाहर गया, और उस व्यक्ति से पूछो कि कैसा इंसान वो जीता है और कैसे अपने पर्व के साथ वो रहता है। हर त्यौहार, हर चीज़ पे इंसान एक अजीब सा फील करता है, अकेलापन महसूस करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत वो करती हैं, और अच्छा भी लगता है क्या करें, क्योंकि इंसान एक पैसा कमाने अपने मुल्क, अपने वतन, अपने देश में आता है। यही चीज़ है इंसान को कि अपने देश से प्यार जितना होता है उतना ही हर चीज़ से होता है। तो कहना आसान है कि इंसान अपने विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा, पैसा कमाएगा, तो बहुत सी इच्छा और उसको मारना पड़ता है, जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं 6 साल का एक्सपीरियंस, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं जिस लाइन में सऊदी अरब आया हूँ, और यहाँ भी काम बहुत अच्छा है, बट वही है, काम से घर, घर से काम, इंसान की 2 रूटीनें चलती हैं, सुबह आओ, शाम उठो, शाम उठो, सुबह आओ, ऐसा ही वाला सीन चलता है। तो मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहूँगा, सऊदी आने से पहले या किसी भी देश जाने से पहले और सोचे और समझे, उसके बाद फैसला ले। और मैं तो ये कहूँगा कि जो पहली बार व्यक्ति हैं वो अपनी लाइफ को कहीं और भी स्टे करके अपने आप को मजबूत बनाए, तब वो अपना देश छोड़ के किसी और कंट्री में जाने लायक बने। बहुत तकलीफ होती है जो फर्स्ट टाइम बंदा अपना घर, अपना देश, अपने दोस्त सबको छोड़ के जब वो आता है, जैसे कि मैं, मुझे खुद भी तकलीफ होती है, बट अब मुझे 6-7 महीने हो रहे हैं और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है, धीरे धीरे हद पड़ गई है। तो मैं यही सब चीज़ कहूँगा, पहले अपने आप को मजबूत बनाए, फिर किसी देश में जाए। और बस मेरा यही है आप लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अपना प्यार बरसाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।